नमस्कार, सनस्टार टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कंचन। सृष्टि की पालनहार श्री कृष्ण के जन्मदिन की धूम पूरे देश में नजर आ रही है। हर व्यक्ति के मन में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। श्री कृष्ण के जन्मदिन की तैयारियों में देश का हर व्यक्ति लगा हुआ है। ऐसे ही पावन पर्व पर श्री कृष्ण के जन्मदिन पर हर जगह झांकियां सजी हुई है, हर जगह रोशनी नजर आ रही है। इसी शुभ दिन पर आज श्री कृष्ण ने अपने बालपन से लेकर अपने बड़े हुए तक क्या क्या लीलाएं रचाई है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए आज के इस खास दिन पर देखते हैं हमारी खास पेशकश। उत्सव है आनंद का, कान्हा के जन्म का, दही हांडी के रंग का, उत्सव है धर्म का। जन्माष्टमी का रंग निराला है, दही हांडी की मस्ती से लेकर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में आनंद ही आनंद छुपा है। भगवान विष्णु का वो आठवां अवतार जिसके अलौकिक स्वरूप ने हर किसी का मन मोह लिया। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, वासुदेव, द्वारकाधीश, कई नामों से भक्त उन्हें पुकारते हैं। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को देश आस्था के रंग, श्रद्धा के भाव और मन की शक्ति के साथ मनाता है। ऐसी मान्यता है कि भाई कंस के अत्याचार सहते हुए कारागार में बंद माता देवकी की आठवें संतान के रूप में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। एक ऐसे अवतार का जन्म हुआ था जिसने कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इस खास पर्व पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त कृष्ण जन्माष्टमी पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर हम आपको भगवान कृष्ण के बालपन से शुरू हुई पूरी कहानी सुना रहे हैं। वो दौर था जब राक्षसों के आतंक से पृथ्वी कांप रही थी, धर्म का नाश हो रहा था और अधर्म फैल रहा था। उस वक्त मथुरा में देवकी पुत्र श्री कृष्ण का जन्म द्वापर और कलयुग के बीच हुआ था। कहा जाता है कि सूरदास ने भगवान कृष्ण की कुंडली बनाई और उसमें ब्यौरा पेश किया और उस कुंडली में लिखा था कि भगवान कृष्ण अपने कंस मामा का वध करेंगे। भगवान कृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध किया था। 6 साल की आयु में ही श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली में उठाकर इंद्र के घमंड को चूर किया था। श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ मिलकर महज 64 दिनों में ही वेद कला, साहित्य और राजनीतिक विद्या में महारत हासिल की थी। भगवान कृष्ण 3 साल 4 महीने गोकुल में रहे और इस बीच भगवान कृष्ण ने वृंदावन और नंदगांव में वक्त बिताए। 18 साल 4 महीने देवकी नंदन मथुरा में रहे। बाकी के 96 साल 8 महीने तक श्री कृष्ण ने द्वारका में राज किया। जब महाभारत का युद्ध हुआ उस वक्त भगवान कृष्ण की आयु 90 वर्ष की थी। कहते हैं कलयुग में एक बार फिर भगवान का अवतार होगा, लेकिन कब ये कोई नहीं जानता। भगवान कृष्ण के बालपन से लेकर कई काम किए और आज भक्त इसी अवतार की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से कई व्रतों का फल मिलता है। हमारे शास्त्रों में कृष्ण जन्माष्टमी के सभी व्रत का राजा यानी व्रतराज कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण को झूला झुलाने से भी अलग महत्व मिलता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पालने में भगवान को झूला दे तो उसकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती है। हर जगह लड्डू गोपाल की सुंदर झांकियां सजी हुई है। सुंदर वस्त्रों के साथ लड्डू गोपाल हम सब के बीच में विराजमान है। बहुत प्यारे आभूषण पहनकर एक अलग ही दृश्य, एक अलग ही सुंदरता लड्डू गोपाल के चेहरे पर झलक रही है। तो आज हम ये जाना कि हमारे कान्हा ने बचपन से लेकर बड़े हुए तक क्या क्या लीलाएं रचाई है। अब हम जानेंगे हमारे कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में और द्वारका नगरी में किस धूमधाम से मनाया जाता है जन्माष्टमी का ये पर्व, आइए जानते हैं। द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी। गुजरात में बसी द्वारका वो महानगरी है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। द्वारका जिसे कई द्वारों का शहर कहा जाता है, जिसे भगवान कृष्ण की पौराणिक राजधानी कहा जाता था।
जिसे श्री कृष्ण ने मथुरा से पलायन के बाद बसाया था। इस पवित्र धाम का अपना एक इतिहास है। ये पवित्र धाम 7 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, लेकिन उस वैभव के चिन्ह अब नहीं दिखाई देते। कहते हैं यहाँ जो राज्य स्थापित किया गया था वो नगरी समुद्र में समा गई। कहा जाता है कि यहाँ कृष्ण का हरि गृह था, वहाँ आज प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। आज भक्त जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। इस खास मौके पर हम आपको महाभारत काल की कैसे नगरी के बारे में बता रहे हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। एक रिपोर्ट में दावा मिलता है कि 1963 में सबसे पहले द्वारका का एक्सक्वेशन डेक्कन कॉलेज पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। कहा जाता है कि कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे और फिर पालनहार ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। कहा जाता है कि इस पवित्र नगरी को महाभारत के वक्त 2 श्राप मिले थे, जहां पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ उसी तरह पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। दूसरा श्राप ऋषियों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को दिया था। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र कर्ण देवर्षि द्वारका पहुंचे। वहां यादव कुल के कुछ युवकों ने ऋषियों का मजाक किया। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र ही यदुवंशी कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मसूल बनाएगा, जिससे अपने कुल का वे खुद नाश कर लेंगे। भगवान कृष्ण की नगरी समुद्र में समा गई, जहाँ ये द्वारकाधीश मंदिर आज भी है, वहाँ भगवान कृष्ण की मौजूदगी का एहसास होता है। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यह उन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए हैं। बहुमूल्य आभूषणों और सुंदर वेशभूषा से श्रृंगार की गई प्रतिमा सभी को आकर्षित करती है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े आनंद के साथ मनाया जाता है। द्वारकापुरी स्थित मंदिर के बारे में ऐसे मान्यता प्रचलित है कि मूल मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रभान ने कराया था। मंदिर को वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में दिया गया था। द्वारकापुरी में जन्माष्टमी का पर्व आनंद का पर्व है, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद का पर्व है। द्वारकाधीश में मानो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान हो। भक्त द्वारकाधीश पहुँचते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं और इस जन्मोत्सव के कार्यक्रम को हर्ष और उल्लास के साथ आस्था के सैलाब के साथ मनाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मूरत हर भक्त के मन में बसी है और पूरा देश श्री कृष्ण के रंग में रंगा नजर आता है।